हेलो गाइस, केमिकल काइनेटिक्स के पार्ट नंबर सेकंड में आपका स्वागत है, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे ROD एंड ROA। ROD स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और एक रिएक्शन के अंदर डिसअपीयर कौन होता है? रिएक्टेंट। और बनता क्या है, मतलब अपीयर क्या होता है? प्रोडक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं, आज अपन ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ये पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, और देखेंगे कि कैसे एक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होता है, और एक रिएक्शन के अंदर कैसे अपना जो प्रोडक्ट है वो अपीयर होता है। तो अपन बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दैट इज ROD एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ROA, दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस। अब अपन क्या समझते हैं ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से एंड ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस से। तो बेसिकली अपन देखते हैं कि कंसंट्रेशन या प्रेशर के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कंसंट्रेशन या प्रेशर के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या बोलेंगे अपन? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट। तो मैं इसे डेफिनेशन अंदर कैसे लिखूंगा, दैट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन और प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसी क्या बोलेंगे, इज नोन एज व्हाट? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर कौन डिसअपीयर होता है? रिएक्टेंट। और एक रिएक्शन के अंदर कौन अपीयर होता है? प्रोडक्ट। तो अपन देखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस फॉर रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर ROA फॉर प्रोडक्ट। सिंपल। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अपन क्या समझते हैं ROD एंड ROA से, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज या फिर प्रेशर के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, इसे क्या बोलेंगे अपन? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। किसके लिए? फॉर रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर प्रोडक्ट। सिंपल। इतने टर्म से आपको ये पार्शली समझ में आया होगा, तो अपन इसको समझते हैं एकदम डिटेल के अंदर। तो अपने पास इनिशियली क्या प्रेजेंट है? एक रिएक्टेंट जो कि क्या है? ए। और रिएक्टेंट जो प्रेजेंट है उससे क्या फॉर्म होता है? बी, दैट इज प्रोडक्ट। अपन अब बात करते हैं, अगर मैं इसको देखूं ग्राफिकली, तो इस ग्राफ के अंदर अपने पास एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टाइम। और अपने पास वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? कंसंट्रेशन। अच्छा जी, अपन हम बात करते हैं इनिशियली अपने पास अपन एक रिएक्शन जो है देखें उसको, तो अपन एक रिएक्शन बीकर के अंदर करा रहे हैं, अपन ने मान लिया। अब इनिशियली अपने पास क्या प्रेजेंट है? सिर्फ रिएक्टेंट। तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कुछ प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपने पास जीरो नहीं है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि कंसंट्रेशन का जो ग्राफ है उसके अंदर कुछ ऊपर से ग्राफ चालू कर रहा हूं। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि मुझे पता है इनिशियली अपने पास क्या प्रेजेंट है? सिर्फ रिएक्टेंट। अपन अब देखते हैं यहां पे अपने पास इनिशियली क्या प्रेजेंट है? सिर्फ रिएक्टेंट। और कुछ टाइम बाद जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट अब कम होना चालू हो गया, क्योंकि अपने पास रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। तो मैं क्या देख सकता हूं यहां से कि अपने पास रिएक्टेंट क्या हो रहा है? टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। इसका मतलब ग्राफ जो है वो कहां जाएगा? नीचे। सिंपल। और ये कम होता 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 क्या हो गया? बहुत कम हो गया, और अपने पास बहुत माइनर सा क्या बच गया? अपने पास रिएक्टेंट बच गया। अपन अब देखते हैं कि अपने पास कुछ टाइम बाद जैसे ही रिएक्शन चालू हुई अपने पास क्या प्रेजेंट था? रिएक्टेंट, जो ए प्रेजेंट था अपने पास। अब जैसे ही अपने पास रिएक्शन चालू हुई वैसे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद अपने पास रिएक्टेंट जो ए प्रेजेंट था उससे कम होकर अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या हो गया? अपने पास A1। और बहुत टाइम बाद जैसे जैसे रिएक्टेंट के अंदर जैसे मैंने रिएक्शन के अंदर झांक के देखा तो वैसे क्या हुआ, बहुत टाइम बाद मतलब जब रिएक्शन चल रही थी उस बीकर के अंदर तब क्या हुआ अपने पास, फाइनली कंसंट्रेशन क्या होगी उस रिएक्टेंट की? अपने पास A2, बहुत टाइम बाद। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, अपने पास जो बीकर है उसके अंदर इनिशियली मतलब एट टाइम T=0 प्रोडक्ट क्या है? जीरो। कुछ भी नहीं प्रोडक्ट, क्योंकि अपने पास सिर्फ क्या प्रेजेंट है उस बीकर के अंदर? रिएक्टेंट। अपन अब बात करते हैं जब टाइम चलता रहा जब क्या होता गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता गया, मतलब ग्राफ क्या होगा? ऊपर जाएगा। सिंपल। और फाइनली क्या बन गया अपने पास? प्रोडक्ट बी, जो कि अपने को बनाना था। और अपने पास यहां पे क्या हुआ कि मैं देखता हूं, जब अपन ने देखी थी कंसंट्रेशन किसकी?
रिएक्टेंट की उसी टाइम पे जब प्रोडक्ट था अपने पास वो कितना फॉर्म हुआ, B1। और अपन देखते हैं बहुत टाइम बाद जब अपन ने देखी थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A2 हो गई थी, उस टाइम पे अपने पास जो प्रोडक्ट है वो कितना फॉर्म हो गया था, अप टू B2। मैंने मान ली कंसंट्रेशन, ये मेरा अजम्पशन है। अपन अब देखते हैं यहां पे कि अपने पास जो है इस ग्राफ के अंदर अपन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालेंगे। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो यहां पे रिएक्टेंट क्या अपने पास, ए, सिंपल। तो अपन देखते हैं यहां पे कि अपने को क्या पता कि रेट क्या होती है, व्हाट इज रेट, किसकी रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, वो भी किसकी, रिएक्टेंट की। तो अगर अपन देखते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट होती क्या है, व्हाट इज इट, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, रिएक्टेंट की। तो कंसंट्रेशन का चेंज मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसके ऊपर अपन क्या कर रहे हैं, रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपन देखें यहां से, तो अपने पास फाइनली जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, अपन जब टाइम देख रहे हैं T2, अगर मैं इस टाइम को मानता हूं यहां पे T2 और अगर इस टाइम को मैं मान लेता हूं T1, मतलब अपन ने जब टाइम देखा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो अपन देखते हैं कि जब टाइम T1 था तो अपने पास रिएक्टेंट जो था वो कितना था, A1, और जब टाइम T2 हो गया तो अपने पास रिएक्टेंट कितना बच गया, A2। अगर अपन देखें यहां से क्या निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, सिंपली वो अपन निकाल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट इज A1, जिस टाइम में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, और अपॉन क्या आएगा अपने पास, चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, T2 माइनस T1। अगर अपन देखें इस वैल्यू को तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, देखते हैं अपन। अब देखते हैं अपन यहां पे कि अपने पास रिएक्टेंट क्या हो रहा है, फाइनल क्या है, कम है एज कंपेयर टू इनिशियल, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और रिएक्टेंट क्या होता है, अपने पास खत्म होता है। तो अगर अपन देखें यहां पे कि अपने पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, A2, जो कि कम है, क्योंकि अपन जानते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है, तो फाइनली रिएक्टेंट क्या है, कम, और इनिशियली क्या है, ज्यादा। तो अगर मैं कम में से ज्यादा माइनस करता हूं तो अपने पास जो रेट है वो कितनी निकल के आती है, नेगेटिव। तो अगर इस नेगेटिव को मुझे क्या करना है, हटाना है, तो इसीलिए मैं करता हूं यहां पे इस ब्रैकेट को जो है इसको बाहर मैंने क्या कर दिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, माइनस से, ताकि ये पूरी वैल्यू जो है रेट ये क्या निकल के आए, पॉजिटिव। अपन समझते हैं इसको फिर से, अपन देखते हैं यहां पे A2 जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2, और A1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1। अगर अपन देखें A2 क्या है, कम है, क्योंकि अब जब टाइम T2 हो गया तो रिएक्टेंट क्या हो गया, कम हो गया एज कंपेयर टू इनिशियल। तो अगर मैं कम में से ज्यादा माइनस करता हूं तो अपने पास ये जो ब्रैकेट की वैल्यू क्या निकल के आती है, नेगेटिव। अगर ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव निकल के आती है तो इस वैल्यू को मुझे पॉजिटिव करना है, क्योंकि मुझे पता है कि रेट जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपली इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, माइनस से। तो अपने पास जो अब रेट है वो क्या निकल के आएगी, पॉजिटिव, सिंपल। और रेट होती भी क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए मैंने यहां पे जो है इस पूरे ब्रैकेट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव से, सिंपल। अपन अब बात करते हैं कि अब इसको मैं एकदम शॉर्ट में लिखना चाहूंगा, कैसे लिखूंगा, तो शॉर्ट में लिखना है मुझे इसको। तो अपन देखते हैं यहां पे ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई है ब्रैकेट, तो A2 माइनस A1 क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो मैंने इसको सिंपली क्या लिख दिया, डेल्टा ए से, अपॉन T2 माइनस T1 क्या है अपने पास, टाइम, चेंज इन टाइम, तो डेल्टा टी लिख दिया मैंने इसको। तो अपन देखें इसको मैंने सिंपली जो है फॉर्मूले को वो सिंपली ऐसे लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। अपन अब बात करते हैं क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है, और रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है। तो मैं यहां पे रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट के लिए, जो कि क्या अपने पास इस रिएक्शन के अंदर, बी। तो अपन यहां पे देखें कि प्रोडक्ट जो है अपने पास वो क्या है, बी। तो वही मुझे क्या निकालनी है, रेट, और मुझे क्या पता रेट क्या होती है, सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो
तो अपन देखते हैं यहां पे चेंज इन कंसेंट्रेशन, दैट इज फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या है अपने पास B2, और इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है अपने पास B1 अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज T2 माइनस T1। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। और अपन देखें यहां पे कि अगर मुझे ये देखना है कि ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव निकल के आती है नेगेटिव निकल के आती है, अपन देखते हैं इसको। अपने पास जो B2 है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T2 के अपने पास B2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1 के अपने पास B1। अब देखते हैं यहां पे कि B2 क्या है ज्यादा एज कंपेयर टू B1, तो अगर मैं बड़े में छोटा माइनस करता हूं तो अपने पास जो वैल्यू है ये क्या निकल के आती है पॉजिटिव, और मुझे पता है रेट भी क्या होती है पॉजिटिव। तो इसीलिए मैंने इस पूरे ब्रैकेट को यहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया, किससे, नेगेटिव साइन से। सिंपल अपन बात करते हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं एक शॉर्ट फॉर्मूले के अंदर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अपने पास जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। सिंपल। अब अपन बात करते हैं अपने पास जो ROD है मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, एंड जो ROA है अपने पास दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस है, इनको अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अपन देखें ROD और ROA के लिए, ROD और ROA के लिए अपन देखें तो अपन क्या जानते हैं कि ऊपर क्या प्रेजेंट है न्यूमरेटर के अंदर कंसंट्रेशन, और नीचे क्या प्रेजेंट अपने पास टाइम। तो यहां पे जो यूनिट है वो क्या निकल के आएगी अपने पास, मोल पर लीटर, किसके लिए, फॉर कंसंट्रेशन, क्योंकि मुझे पता है कंसंट्रेशन क्या होती है मोलैरिटी, और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है अपने पास मोल पर लीटर। तो अपने पास जो न्यूमरेटर के अंदर क्या आ गया, मोल पर लीटर। और अपन देखें यहां पे जो डिनोमिनेटर उसमें क्या प्रेजेंट अपने पास टाइम, तो नीचे क्या लिख दिया मैंने सेकेंड, और जब मैं इसको लेके जाऊंगा ऊपर तो ये क्या हो जाएगा अपने पास मोल पर लीटर पर सेकंड। सिंपल। तो अपन अब बात करते हैं ये तो क्या हो गया, अपन कैसे एक्सप्रेस करें ROD एंड ROA को, मोस्ट कॉमनली अपन और कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो क्या है, अपन एक्सप्रेस करते हैं ROD और ROA को प्रेशर के टर्म्स में। और तो अगर मैं देखूं कि अपने पास जो ROD और ROA है उसको मैं एक्सप्रेस करना चाहूं प्रेशर के अंदर, तो एक्सप्रेस कैसे करूंगा, ऊपर क्या आएगा अपने पास कंसंट्रेशन की जगह चेंज इन प्रेशर दैट इज डेल्टा पी, और नीचे क्या आएगा अपने पास चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा टी। तो अगर मैं देखता हूं यहां से यूनिट क्या निकल के आएगी, तो डेल्टा पी, तो प्रेशर की क्या यूनिट होती है अपने पास ATM अपॉन नीचे क्या है डेल्टा टी दैट इज टाइम, तो इसकी यूनिट क्या होगी अपने पास सेकंड। तो अगर मैं इसको लेके जाऊं ऊपर तो ये क्या हो गया अपने पास ATM पर सेकंड। सिंपल। अब ये अपने पास जो प्रेशर है अपन कंसंट्रेशन की जगह कब यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गैसियस रिएक्शन के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिंपल। तो ये क्या है अपन ROD और ROA को मोस्ट कॉमनली कैसे एक्सप्रेस करें। सिंपल। तो ये बेसिक क्या था अपना ROD दैट इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ROA दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होती है, और इनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और इनकी क्या यूनिट होती है। तो ये अपन ने पढ़ा यहां तक। अब तो अपन अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो क्या है अपन देखते हैं इसे कि अपने पास एक रिएक्शन के अंदर ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ROA दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या होती है, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है जो रेट होती है उसको मैं किसमें एक्सप्रेस करता हूं पॉजिटिव के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू के अंदर। अपन हम बात करते हैं कि ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ROA ये क्या है रेट ऑफ अपीयरेंस, ये हमेशा क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू। बट अपन हम बात करें रिएक्टेंट के केस के अंदर तो वहां पे क्या होता है कि अपने पास यहां पे रेट किस वैल्यू के अंदर निकल के आई थी अपने पास ROD नेगेटिव वैल्यू के अंदर, तो इस नेगेटिव वैल्यू को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मैंने सिंपली क्या कर दिया यहां पे नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इसीलिए ये किसमें कन्वर्ट हो गया पॉजिटिव के अंदर। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखते हैं फिर से इसको। A2 क्या अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T2, और ये A2 क्या है एज कंपेयर टू A1 कम है, तो अगर मैं
कम में से ज्यादा माइनस करता हूं, अगर मैंने छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करा, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को माइनस करा, और बड़ी वैल्यू क्या है, नेगेटिव ज्यादा है, तो यहां पे अपने पास फाइनली जो ब्रैकेट का टर्म है वो क्या निकल जाएगा, नेगेटिव। तो अब इस नेगेटिव वैल्यू को मुझे क्या करना है, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं कर दूंगा यहां पे इस पूरे ब्रैकेट को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे क्या हो गया अपने पास पूरा जो रेट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव के अंदर। और मैं कह सकता हूं यहां पे कि अपने पास जो रेट होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैं क्या बोल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, क्या बोल सकता हूं मैं, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय नेगेटिव साइन इन केस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे क्या आ रही थी, चेंज इन कंसेंट्रेशन क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। सिंपली मुझे क्या पता है कि अपने पास आरओडी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। इसको भूल जाओ एक बार, अपने पास आरओडी क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। तो अब मुझे पता है कि ROR, ROD, ROA क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि रेट क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो अगर मुझे इस नेगेटिव वैल्यू को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव के अंदर, तो मैंने क्या करा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया नेगेटिव से। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, माइनस माइनस इज प्लस, सिंपल। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। तो अगर आपको यहां तक ROD मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड ROA मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस समझ में आया है, उसी के साथ साथ कैसे उसको एक्सप्रेस करें अपन इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, तो आपको यहां तक समझ में आया है, देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन एंड फाइनली सी ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग उपाध्याय केमिस्ट्री।